हाय एवरीवन, आप सभी को एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। तो दोस्त, आज का इस ब्लॉग में हम कुछ बताने वाले हैं कि जो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जितने भी हमारे क्रिएटर लोग जो काम कर रहे हैं, इस सारे लोग के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्या है कि हमारे 2024 में यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नए क्रिएटर जो है बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। काम करने का कोई तरीका होना चाहिए, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ऐसे नहीं काम होता है। अब कैसे काम होता है, सारा जानकारी इस ब्लॉग के अंदर में आज आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, देखिए हम YouTube से रिलेटेड वीडियो देते नहीं हैं, YouTube की सुनते नहीं है, क्योंकि मेरा YouTube से रिलेटेड देने का वीडियो का अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरा ब्लॉग का चैनल है। बाकी फिर भी कुछ कुछ मेरे ऑडियंस जो ऐसे हैं कि हमारे चैनल पर आ चुके हैं, सब्सक्राइबर आ चुके हैं, तो उन लोग के लिए हम कुछ अपने स्तर से कुछ बता देते हैं, ताकि उन लोग को दिमाग जो है मोटिवेट न हो। क्योंकि YouTube प्लेटफॉर्म पर काम करने का रूल जो है ना अलग है, इस तरीका से अलग है कि आपको हम बता दे रहे हैं कि ताकि आप कभी मोटिवेट होकर के YouTube छोड़ करके ना भागे, क्योंकि आपका समय बर्बाद नहीं जाए। क्योंकि देखिए हम जो भी बताते हैं हम अपने स्तर से जो हमारे साथ बीता हुआ रहता है वही चीज़ हम आप लोग को बताते हैं। तो जितने भी हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर लोग काम कर रहे हैं, नए क्रिएटर लोग, उन लोग के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि YouTube प्लेटफॉर्म पर आप जब भी काम कीजिएगा तो दिमाग से कीजिएगा। इसमें दिमाग का खेला है, इसमें दिमाग लगाइएगा तो बहुत कुछ होगा, अगर दिमाग नहीं लगाइएगा तो कुछ नहीं होगा। चलते हैं हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं कि आपका चैनल कैसे ग्रो करेगा, कैसे सब्सक्राइबर बढ़ेगा, कैसे रिजल्ट चलेगा और कैसे व्यू आएगा, इस सारा जानकारी सारा अपडेट मैंने हम इस वीडियो के अंदर में आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि YouTube प्लेटफॉर्म पर आप जानते हैं कि 4000 घंटा का वास्ते और 1000 के सब्सक्राइबर होने पर चैनल मोनेटाइज। अब दूसरे बताना चाहते हैं कि देखिए YouTube प्लेटफॉर्म पर एक क्रिएटर पर कभी भी काम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? सबसे पहले क्या होता है कि देखिए आप अगर मान लेते हैं कि 4 महीना काम किए, 6 महीना किए, 8 महीना किए, 10 महीना, तो आप एक प्लेटफॉर्म पर काम ना करें, क्योंकि आपको आपके अंदर टैलेंट ही क्या चीज़ क्या है वो चीज़ सबसे पहले ढूंढ लें कि हमारे अंदर क्या चीज़ का टैलेंट ही है। अगर मान लेते हैं किसी का ब्लॉग बनाने का अधिकार है कि ब्लॉग हम बना लेंगे, हमारे अंदर दिल का क्षमता है कि हम बना सकते हैं, किसी का कुकिंग का है, किसी का गेमिंग का है, किसी का मान लेते हैं कि अपना यूट्यूब से रिलेटेड जो वीडियो देते हैं टिप्स, ये चीज़ क्षमता है, तो उसके लिए जानकारी भी होना चाहिए। जो आप काम करते हैं उसके लिए जानकारी पूरा फुल होना चाहिए, तभी आप उस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते हैं। अभी तक आप बनाए कुछ और काम कर रहे हैं कुछ, इस तरीके से मज़ा नहीं देता है, ऑडियंस आपको पसंद नहीं करे, और तल बदल करते रहना है। ये नहीं करना है कि हम नहीं मिला, चाहे व्यू हमारा पास ही नहीं आया तो हम काम को छोड़ देंगे, नहीं, काम को छोड़ना नहीं है, काम को करते रहना है। तो दोस्त क्या है कि YouTube प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग काम करते हैं, थोड़ा सोच समझ के और अपने अंदर जो दिल में टैलेंट होगा, अपने दिमाग के अंदर में वो चीज़ पहले ढूंढ लीजिएगा, इसके बाद आप काम कीजिएगा। ये चीज़ हम आपको आज हम मैं ब्लॉगर बता रहा हूँ, YouTube से रिलेटेड जो वीडियो देता है स्किल देता है वो नहीं बता रहा है। तो दोस्त सबसे पहले सभी ऑडियंस को मैं प्रणाम करता हूँ, अब चलते हैं हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ अगले वीडियो में सब बताते हैं, क्योंकि देखिए सारा जो जानकारी है इस ब्लॉग के अंदर आपको फिर अगले वीडियो में मिलेगा। चलते हैं दोस्त, वीडियो प्रणाम करते हैं, बाय बाय।